नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको आपके किचन में जीवन सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएं। तो पहले हम आपको बताएंगे आपके परिवार की सुरक्षा के बारे में। घरेलू गैस इंस्टॉलेशन की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एलपीजी होज की होती है, और अपने ग्राहकों का यानी कि आपका ख्याल करते हुए इंडेन गैस परिवार सुरक्षा एलपीजी होज इस्तेमाल करने की सलाह देता है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली हरी एलपीजी होज पर मौसम के बदलाव का असर होता है, जिसकी वजह से उसमें कम समय में ही दरारें पड़ती हैं और उससे गैस का रिसाव यानी लीकेज होने की संभावना रहती है। सुरक्षा एलपीजी होज पर मौसम के बदलाव का कोई असर नहीं होता है और वो रिसाव रोधक भी है, क्योंकि उसकी तीन खास परत होती है। हरी एलपीजी होज ज्यादा गर्म होने से पिघल सकती है और उससे आग भी लग सकती है, जबकि सुरक्षा एलपीजी होज अग्निरोधक होने के कारण उस पर गर्मी का कोई भी असर नहीं होता है। हरी एलपीजी होज को चूहा आसानी से काट सकता है और उसमें छेद भी हो सकते हैं, जिससे लीकेज हो सकती है। याद रहे, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं चूहे के काटने से ही हुई है। लेकिन अपनी सुरक्षा होज में बिठाई गई स्टील की जाली की वजह से चूहा उसे काट नहीं सकता और इसलिए वो 100% सुरक्षित है। अपनी इन कमियों की वजह से हरी होज की आयु ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही सीमित है, जबकि सुरक्षा होज अपने इन गुणों की वजह से 5 साल तक आराम से चल सकती है। अगर कीमत की बात सोचें तो हरी होज 10 पैसे प्रतिदिन पड़ती है और सुरक्षा होज 11 पैसे प्रतिदिन पड़ती है। क्या आप अपने परिवार की कीमत 1 पैसे से भी कम समझते हैं? नहीं ना? तो फिर सुरक्षा की खरीदारी में ही है समझदारी। अब हम घरेलू गैस इंस्टॉलेशन के सुरक्षित इस्तेमाल का तरीका सीखेंगे। गैस सिलेंडर जमीन पर ऐसी जगह पर रखें जहां आप आवश्यकता पड़ने पर आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। सिलेंडर को फर्श की सतह से नीचे ना रखें। सिलेंडर को हमेशा सीधा रखें। अगर आप समझते हैं कि इसे लिटाकर रखने से आपको ज्यादा गैस मिलेगी तो ये आपकी गलत फहमी है। इतना ही नहीं, ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। सिलेंडर को धूप, बारिश तथा गर्मी से बचाकर हवादार क्षेत्र में रखें। सिलेंडर में लगा नायलॉन धागा सेफ्टी कैप से लगा रहने दें, जिसका इस्तेमाल वॉल्व लीक होने पर तुरंत करें। यदि सिलेंडर उपयोग में नहीं है तो उसके वाल्व पर सेफ्टी कैप लगा रहने दें। सिलेंडर की मरम्मत करना गैस कंपनी का काम है। सिलेंडर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कार्यालयीन समय, रविवार तथा छुट्टियों के दिन अपने वितरक या गैस कंपनियों द्वारा बनाए गए आपातकालीन सेवा कक्ष से संपर्क करें। गैस चूल्हे को सिलेंडर की ऊपरी सतह से भी ऊपर प्लेटफॉर्म पर रखें। गैस चूल्हे के आसपास की खिड़कियों पर पर्दे ना लगाएं। चूल्हे के बर्नर को हवा के झोंके से दूर रखें ताकि उससे ज्योत बुझकर गैस का रिसाव यानी लीकेज ना हो। किसी भी अवस्था में चूल्हे को फर्श पर ना रखें, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। खाना पकाते समय सूती वस्त्र या एप्रन पहने। बर्नर को जलाने हेतु पहले माचिस की तिल्ली जलाएं, फिर नॉब ऑन करें। अगर आप किचन में फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि इसकी हवा से चूल्हा बुझ ना जाए। खाना बनाते समय हमेशा किचन में ही रहें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप समय पर लौ को कम या बंद कर सकें। रात को सोने से पहले प्रेशर रेगुलेटर नॉब को ऑफ की स्थिति में घुमाकर बंद करना न भूलें। यदि आपको गैस की गंध आए तो आप क्या करोगे? घबराइए नहीं, इन बातों पर ध्यान दीजिए। प्रेशर रेगुलेटर की नॉब को ऑफ की स्थिति में घुमाकर बंद कर दीजिए। किचन में मौजूद सभी प्रकार की आग को बुझा दीजिए। सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दीजिए। माचिस की तिल्ली ना जलाएं तथा कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच ऑन या ऑफ ना करें। बिजली के स्विच, मोबाइल की टॉर्च अथवा ड्राई सेल टॉर्च ऑन या ऑफ करते समय चिंगारी निकल सकती है, जिससे कि लीक हुई गैस में आग लग जाएगी। प्रेशर रेगुलेटर को निकालकर
वाल्व में सेफ्टी कैप लगा दें और तुरंत अपने वितरक को सूचित करें। सिलेंडर डिस्कनेक्ट करने का सुरक्षित तरीका। किचन में मौजूद सभी प्रकार की आग को बुझा दीजिए। सभी बर्नर की नॉब को बंद कर दें। प्रेशर रेगुलेटर नॉब को ऑफ की स्थिति में घुमाकर बंद कर दें। प्रेशर रेगुलेटर के रिंग को ऊपर उठाकर धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे रेगुलेटर को ऊपर की ओर खींचें, जिससे ये वाल्व से निकल जाएगा। सिलेंडर के वाल्व पर सेफ्टी कैप लगाकर कैप को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज ना आए। सिलेंडर कनेक्ट करने का सुरक्षित तरीका। कैप में लगे नायलॉन धागे को खींच कर रखें एवं कैप को ऊपर की ओर खींचें। इससे कैप निकल जाएगी। सुनिश्चित करें कि वाल्व के अंदर सीलिंग रिंग मौजूद है। अगर ये नहीं है तो इस सिलेंडर को इस्तेमाल न करें और अपने वितरक को सूचित करें। अब प्रेशर रेगुलेटर की नॉब को ऑफ स्थिति में रखकर इसकी रिंग को ऊपर उठाकर रेगुलेटर को वाल्व के ऊपर रखकर नीचे की ओर धीरे धीरे घुमाते हुए ले जाएं। जब ये पूर्णतः नीचे चला जाए तो रिंग को छोड़ दें। आपको क्लिक की आवाज आएगी। ध्यान रहे, अगर रेगुलेटर सही तरीके से नहीं लगा हो तो आप इसके नॉब को ऑन नहीं कर पाएंगे। बर्नर जलाने का सुरक्षित तरीका। रेगुलेटर की नॉब को ऑन पोजीशन पर लाएं। थोड़ा रुकें। अगर गैस की गंध आए तो आप क्या करोगे, तो ऊपर बताए गए नियमों का पालन करें। अब माचिस की तिल्ली जलाएं और इसे बर्नर के समीप ले जाएं। दूसरे हाथ से बर्नर की नॉब को ऑन करें, जिससे लौ जलने लगेगी। चूल्हे का कार्य समाप्त हो जाने पर बर्नर की नॉब ऑफ कर दें एवं रेगुलेटर के नॉब को भी ऑफ पोजीशन पर रख दें। बस, सुरक्षा के आसान एवं इतने महत्वपूर्ण नियमों का पालन कीजिए और परिवार की सुरक्षा के लिए सक्षम हो जाइए। यहां से आगे बढ़ के अब हम बात करते हैं बचत के बारे में। आप गैस बचाइए, पैसे की बचत अपने आप हो जाएगी। वो ऐसे कि खाना पकाते समय सभी जरूरी चीजें पहले से ही तैयार रखें। अगर पूरा परिवार एक साथ खाना खाए तो उसका मजा ही कुछ और है। इससे गैस की बचत होगी, क्योंकि खाना एक ही बार गर्म करना होता है और वो सेहत के लिए पोषक भी है। गैस बर्नर की दो स्थितियां होती हैं। उनका उपयोग हमें करना है कोई भी द्रव उबालने के बाद नॉब सिम पर रख के पदार्थ गर्म रख सकते हैं। गैस के ज्योत की ऊंचाई और रंग पर ध्यान दें। अगर ज्योत नीले रंग की हो तो वो सही है, और अगर ज्योत पीले रंग की हो तो मैकेनिक से अपने हॉट प्लेट की जांच करवा लीजिए। बर्तन का तल बर्नर के हिसाब से हो। बड़े बर्नर पर बड़ा बर्तन और छोटे बर्नर पर छोटा बर्तन रखिए। गैस पर रखे गए बर्तन के तले से गैस की ज्योति कभी भी बड़ी न हो, इसका ध्यान जरूर रखें। खाना पकाने के लिए आपको जितना पानी जरूरी है उतना ही लीजिए। ज्यादा पानी होने से गैस ज्यादा जलती है। बर्तन को ढकने से खाना जल्दी पकता है। और हाँ, हो सके तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कीजिए। गैस एक नैसर्गिक संपत्ति है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।